हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ द रनिंग चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड दिस इज खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट विच वॉज स्टार्टेड टू प्रिवेंट द रॉलेट एक्ट एंड फाइनली अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो नो गांधी जी हैड प्रिवेंटेड द रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट बिकॉज ही नोटिस्ड दैट मोमेंट वाज टर्निंग टू वायलेंस। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट इसलिए रोक दिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि यह मोमेंट जो है वह हिंसा की ओर बढ़ रहा था। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो द रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट वाज अ वाइड स्प्रेड मोमेंट बट स्टिल इट वाज लिमिटेड टू द सिटीज एंड द टाउन्स। द मोस्ट पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज मीन्स द पीपल्स हु बिलोंग टू द विलेजेस एंड द अदर पार्ट ऑफ द रूरल एरियाज दे हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट। सो दिस वॉज द मेन रीजन्स फॉर द अनसक्सेस ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह मोमेंट। सो गांधी जी हैड रिलाइड दैट टू अपोज द ब्रिटिश, टू अपोज द इनजस्टिस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, देयर इज अ नीड ऑफ द नेशन वाइड मोमेंट एंड सच काइंड ऑफ द नेशन वाइड मोमेंट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनाइट द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव रीड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इन दैट टॉपिक्स वी हैड रीड अबाउट द एलाइड पावर एंड द सेंट्रल पावर विच वॉज टू मेजर पावर ऑफ द यूरोप हु हैड पार्टिसिपेटेड इन टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड इंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की एंड अ काइंड ऑफ द र्यूमर हैड स्प्रेड अमंग द पीपल्स दैट द ब्रिटिशर्स वे आर गोइंग टू इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन द खलीफा। नाउ द क्वेश्चन पुट अप, हु वाज खलीफा? खलीफा इस्लामिक हेड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड द मुस्लिम्स वॉन्टेड टू अपोज सच काइंड ऑफ द रिप्रेसिव स्टेप्स ऑफ द ब्रिटिशर्स टू यंग लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग्स मोहम्मद अली एंड द शौकत अली हैड फॉर्म्ड अ कमेटी इन मार्च 1919 एट बॉम्बे विच इज नोन एज द खिलाफत कमेटी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द इशूज ऑफ द खिलाफत मोमेंट। सो वी कैन रिप्लाई इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज खिलाफत मोमेंट। A moment which was started by Muhammad Ali and Shaukat Ali to defend the power of
खलीफा, मैंने आपको बता दिया खलीफा कौन है। इस्लामिक हेड इस्लामिक रिलीजन है जो मुस्लिम्स के द्वारा फॉलो किया जाता है मोस्टली, तो इस्लामिक हेड कौन थे? खलीफा थे। एक प्रकार से वो जो थे वो एक प्रकार से इनके एक प्रेरणा स्रोत थे, इनके जो एक प्रकार से मार्गदर्शक थे, इनकी शक्ति के द्योतक थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की जो कि एक ग्रुप था सेंट्रल पावर का, वो डिफीट हो गया था। और जो युद्ध में नुकसान हुए थे, जैसे जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे उसको कवर करने के लिए एक प्रकार का बहुत कठोर जो ट्रीटी होती है, संधि होती है, वो थोपी जा रही थी किसके ऊपर? खलीफा के ऊपर। और इनकी पावर को बहुत क्या कर दिया जा रहा था? कम कर दिया जा रहा था कि इन फ्यूचर दे कुड नॉट रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट द एलाइड पावर। इसलिए किया जा रहा था कि फ्यूचर में जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ या हम कह सकते हैं एलाइड पावर के अगेंस्ट में आवाज़ ना उठा सके। तो इनकी पावर को बहुत क्या कर दिया जा रहा था? रिड्यूस करने का, ऐसा र्यूमर था, ऐसा बात लोगों में फैल गई थी। तो उसे अपोज करने के लिए जो दो यंग लीडर थे, अब एनीबॉडी कैन बी आस्क हु आज मोहम्मद अली, सॉरी हुई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली एंड द शौकत अली इज अ यंग लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो कि 1906 में फॉर्म हुई थी और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था, मींस दे हैड डिवाइडेड द हिंदू एंड द मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इशूज दे मोस्टली रेज द मैटर्स ऑफ द रिलीजन्स एंड दे ट्राई टू डिवाइड द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। इट मीन्स दे हैव ब्रेक डाउन टू द यूनिफिकेशन ऑफ द टू द यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। उन दोनों की एकता को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था ताकि वो लंबे समय तक इंडिया पर शासन कर सके। तो अब फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर ऑफ द खलीफा। अ मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा। ये आपका हो गया, मैंने आपको खलीफा बता दिया। ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे हु आज खलीफा, लेकिन आपको जानना है कि कौन थे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक का आपका क्लियर रहे। अब इन्होंने क्या किया था डिफेंड करने के लिए? कमेटी फॉर्म की थी। वो कमेटी कौन सी थी? खिलाफत कमेटी। कौन सी कमेटी थी? खिलाफत कमेटी। तो ये खिलाफत कमेटी कब फॉर्म की गई? इन 1919 कहाँ पे? एट बॉम्बे। अब पूरी स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी कि जो नॉन कॉपरेट सॉरी जो खिलाफत मूवमेंट था वो किस लिए स्टार्ट किया गया था? टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर ऑफ द खलीफा। टेम्पोरल मीन्स सांसारिक, जो उनकी एक प्रकार से जो दिखावे की शक्ति थी, जो दिखाना था उनको, उस पावर को रिड्यूस कर सॉरी उस पावर को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस पावर को बहुत रिड्यूस करने जा रहे थे। और किसने किया था ये फॉर्म? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और कब किया? 1919 में। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इन मार्च 1919 एट बॉम्बे एंड दे हैड बिगन टू डिस्कस विथ महात्मा गांधी टू कम क्लोजर टू द हिंदू एंड द मुस्लिम्स टू अपोज द ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज। जो ब्रिटिश की दमनकारी नीति थी, जो वो दमन करना चाहते थे, उसे विरोध करने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली ने किसके साथ डिस्कशन शुरू कर दिया? महात्मा गांधी के
साथ उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी वांटेड टू रेज दिस इशूज बाय द हिंदूज आल्सो सो दैट द हिंदू एंड द मुस्लिम्स कैन कम क्लोजर, ताकि वो क्या हो सकें, एक साथ आ सकें, यूनाइट हो सकें और यूनाइट हो करके जो ब्रिटिश का है उनको अपोज कर सकें, उनका विरोध कर सकें। फाइनली एट 1900 फाइनली इन सितंबर 1920 एट द सेशन ऑफ द कोलकाता एट द कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता आ प्रपोजल हैड पास्ड टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। गांधी ने अंतोगत्वा जो कांग्रेस के और लीडर थे उनको मनाया, उनको कन्विंस्ड कर लिया, उनको समझाया कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर देंगे तो मुस्लिम जो है वो हमारे साथ आ जाएंगे एंड देन वी कैन बी अपोज टू द ब्रिटिशर्स मोर इफेक्टिवली, हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उनका विरोध कर पाएंगे, ज़्यादा लोग हमारे पास हो जाएंगे। एंड फाइनली इन सितंबर 1920 एट कोलकाता कांग्रेस सेशन सो फाइनली इन सितंबर 1920 एट कोलकाता कांग्रेस सेशन द प्रपोजल हैड पास्ड टू सपोर्ट द खिलाफत इशूज खिलाफत मूवमेंट एंड अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड। नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। We have already read about the Khilafat movement and we know that to support the Khilafat movement, the non-cooperation movement had been started. Its name gives us the meaning of the non-cooperation. Its name gives us the meaning of the non-cooperation movement. Non माने नहीं, कॉपरेशन मीन्स सहयोग, मीन्स द गांधी जी हैड अपील्ड द इंडियन पीपल्स टू नॉन कॉपरेट द ब्रिटिशर्स। मीन्स गांधी जी ने इंडियन से अपील की कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करें। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी जी की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज विच वॉज रिटन इन 1909। गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में ये लिखा था कि द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन इंडिया विथ आवर कॉपरेशंस एंड दे आर सर्वाइव्ड हेयर only due to our cooperations. If we will stop to cooperate them, the British rule
फ्रॉम इंडिया विल बी कोलैप्स विद इन अ ईयर. इफ द एनीबडी आस्क द क्वेश्चंस व्हाई महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, सो यू कैन राइट गांधी जी बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन इंडिया ड्यू टू आवर कोऑपरेशंस एंड दे आर सर्वाइव्ड हेयर ओनली ड्यू टू आवर कोऑपरेशंस बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दियर डिसीजंस दियर पॉलिसीज, वी आर बियरिंग दियर एक्सप्लॉयटेशन, हम उनके अत्याचारों को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं. इफ वी विल रिफ्यूज टू कोऑपरेट देम द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया विल बी कोलैप्स विद इन अ ईयर. तो इंडिया से जो ब्रिटिश रूल है वो एक साल के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो आपकी समझ में आ गया होगा नॉन कोऑपरेशन मीन्स अ काइंड ऑफ द प्रॉमिस टू नॉन कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंट द इंडियंस हैड नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स, भारत को जो है या भारतीयों को ब्रिटिशर्स को जो है वो कोऑपरेट नहीं करना था. नाउ द क्वेश्चंस पुट अप व्हाई महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर्स. गांधी जी बिलीव्ड दैट द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन इंडिया ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस एंड दे आर सर्वाइव्ड हेयर ओनली ड्यू टू आवर कोऑपरेशंस. इफ द इंडियन पीपल्स विल रिफ्यूज विल स्टॉप टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया विल बी कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो ब्रिटिश रूल है इंडिया से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. एंड ही हैड रिटन हिज आइडिया इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज. हिंद स्वराज जो कि उनकी एक पॉपुलर बुक थी, एक फेमस बुक थी. एंड ही हैड रिटन टू दिस बुक टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ हाउ वी कैन बी गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, कैसे हम ब्रिटिश रूल से जो है वो फ्रीडम पा सकते हैं. उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, टू अवेयर द इंडियन पीपल्स, भारत के लोगों को अवेयर करने के लिए लोग, ताकि जान पाए लोग, समझ पाए कि क्या पॉलिसी चल रही है. गांधी जी ने उसमें जिक्र किया कि द मोमेंट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस, इट मीन्स नॉन कोऑपरेशन मोमेंट जो है वो स्टेजेज में शुरू होना चाहिए. गांधी जी वांटेड दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड अनफोल्ड, अनफोल्ड मीन्स होता है फैलना चाहिए, जिसे एकाएक पूरी जगह ना फैल जाए, इन स्टेजेज एक चरणबद्ध तरीके से फैलना चाहिए. तो फर्स्ट वाज विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स विच वाज awarded by the Britishers पहला स्टेप उन्होंने बताया कि आप उन अवार्डों को रिटर्न कर दीजिए, उन उपाधियों को रिटर्न कर दीजिए विच वॉज अवार्डेड बाई द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई हैं. जैसे कि कैसरे हिंद की जो उपाधि थी वो दी गई थी गांधी जी को, नाइटहुड की रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, और भी बहुत सारी उपाधियां दी गई थी बहुत से लीडर्स को. उन्होंने कहा कि ये सब क्या करना है, हमको रिटर्न कर देना है, यानी हम सबको ये सब लेना नहीं है. तो एक तो इनका ये था, सेकंड क्या था, बायकॉट ऑफ
सिविल सर्विसेज, आर्मी, स्कूल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल्स, सो गांधी जी हैड डिसाइडेड दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल बी स्प्रेड अमंग द इंडियन पीपल्स विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स विच वॉज अवॉर्डेड बाई द ब्रिटिशर्स एंड द बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज. बॉयकॉट का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर कर देना है. सिविल सर्विसेज मतलब प्रशासनिक जो सेवाएँ हैं उनकी, वो हमको प्रोवाइड नहीं करनी है. आर्मी नहीं ज्वाइन करना है, ब्रिटिश स्कूल में, ब्रिटिश स्कूलों में नहीं पढ़ना है, ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी है. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल आप पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर जो पढ़ते हैं आप, वही है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब जहाँ कानून बनते थे उसमें भी हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है. द मेनी लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल ऑफ द महात्मा गांधी. वे आर नॉट एग्री ऑन द प्रपोजल ऑफ महात्मा गांधी. कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो थे वो गांधी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे. क्यों नहीं सहमत थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देयर वेर द टू मेजर रीजन्स, दो रीजन्स थे. फर्स्ट ही थॉट ड्यू टू दिस स्टेप द वायलेंस कैन बी क्रिएट. एक प्रकार से वायलेंस फैल सकता है. ये जो स्टेप्स है ब्रिटिश जो है वो इसको दबाने के लिए कोई जो है ब्रूटल एक्शन लेंगे और इंडिया भी उसका उन्हीं के लैंग्वेज में अब जवाब देगा. तो फिर जो एक प्रकार से रॉलेट एक्ट को अपोज करने के दौरान हुआ था वैसा ही होगा. तो जो मेजर रीजन था, फर्स्ट रीजन था कि द कांग्रेस लीडर्स वे आर नॉट एग्रीड फर्स्टली ऑन द प्रपोजल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी बिकॉज दे फियर्ड दैट इफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल बी स्टार्टेड देन देयर शुड बी द वायलेंस. हिंसा हो सकती है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सेकेंड, दे वेयर स्पेशली नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द बायकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अपोज करने के फेवर में नहीं थे. विच वॉज शेड्यूल इन नवंबर 1920, जो कि नवंबर 1920 में होना था, वो लोग उसको मतलब अपोज नहीं करना चाहते थे. बिकॉज दे बिलीव्ड दैट इफ दे विल बी इलेक्टेड इन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्टेड होंगे यानी लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, देन दे कैन बी अपोज टू द ब्रिटिश पॉलिसीज मोर इफेक्टिवली देन नॉन सेलेक्टेड. जो अगर वो मानते थे कि यहाँ चले जाएंगे जहाँ कानून बनता है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, तो वहाँ जब वो चयन करके चले जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ जा करके वो जो कुछ गलत कानून बनेगा उसका क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से विरोध कर सकते हैं. तो इसीलिए वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे. सो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन अमंग द महात्मा गांधी एंड द अदर लीडर ऑफ द कांग्रेस, फाइनली इन दिसंबर 1920, सो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड द अदर कांग्रेस लीडर इन दिसंबर 1920, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1920 नॉन कॉ इन एट नागपुर. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन पास्ड 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये पास हो गया. नागपुर आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला, इसका क्या इम्पैक्ट था, कितनी इसको सफलता मिली, वी विल रीड अबाउट दीज इन टू द नेक्स्ट वीडियोज. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।